हिमाचल में फिर खराब होगा मौसम, 9 से बारिश बर्फबारी के आसार। धर्मशाला का तापमान 23 पहुंचा, फरवरी में 99% कम बरसे बादल। हिमाचल प्रदेश में 9 फरवरी से फिर वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो गुरुवार से अगले 3 दिन प्रदेश के अधिक और मध्य ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी और बारिश होने की संभावना है। प्रदेश में इस बार सर्दियों में बहुत कम बारिश बर्फबारी हुई है, खासकर सोलन, शिमला, मंडी और किन्नौर जिले में काफी कम मेघ बरसे हैं। यही वजह है कि न्यूनतम और अधिकतम तापमान अब रिकॉर्ड तोड़ने लगे हैं। धर्मशाला में 2008 के बाद पहली बार अधिकतम तापमान 4 फरवरी को 23.2 डिग्री पहुंचा। प्रदेश के अन्य शहरों में भी तापमान सामान्य से 8 डिग्री सेल्सियस तक अधिक चल रहा है। ऐसे में 9 फरवरी से बारिश बर्फबारी होने के पूर्वानुमान में प्रदेशवासियों में फिर से उम्मीद जगाई है। हालांकि इस साल ज्यादातर बार मौसम विभाग का पूर्वानुमान सटीक नहीं रहा। प्रदेश में नवंबर और दिसंबर महीना पूरी तरह सूखा गया है। जनवरी में भी कांगड़ा, ऊना, लाहौल स्पीति, चंबा और सिरमौर में ही सामान्य बारिश बर्फबारी हुई है। अन्य जिलों में सामान्य से काफी कम मेघ बरसे हैं। वहीं फरवरी महीने के शुरू के 5 दिनों में 99% कम बारिश बर्फबारी हुई है। इससे किसान, बागवान, पर्यटन कारोबारी सहित हर व्यक्ति मायूस है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।